एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ कॉलेज यंग पार्टनर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं एंड मुझे नहीं जानते हैं, सो हाय गाइस, आई एम आशा एंड आई एम हियर एज अ करियर काउंसलर। यहाँ मैं आपको गाइड करती हूँ ये पहचानने में कि कौन सा कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा। बट बिफोर एनी प्रमोट्स द वीडियो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो वीडियो है इसमें हम किसी भी कॉलेज को प्रमोट या फिर उसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस या फिर स्टूडेंट फीडबैक, मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी कॉलेज को प्रमोट करें या उसे डिग्रेड करें। हम यहाँ आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको अपने कॉलेज रिलेटेड या करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से गाइज कि प्लीज आप अपने कॉलेजेस को रेट जरूर कीजिए, बिकॉज यू नो हमारे यंगस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो उनके लिए बेटर है या बेस्ट है या फिर वर्थ इट ही नहीं है। तो आप प्लीज रेट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, आज के वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं जिस कॉलेज को, वो है VITM इंदौर, जिसका फुल फॉर्म है विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग कॉलेज है गाइज एंड इट इज सिचुएटेड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज दिख रही है वो VITM इंदौर की इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो आइए सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी कि VITM इंदौर है, ये स्टार्ट किया गया था बाय द एफर्ट्स ऑफ विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये जो ग्रुप है, इट इज कमिटेड टू इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन बाय द मीडियम ऑफ इट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट। यानी कि ये कहते हैं कि ये अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो जो यंग माइंड्स हैं उनको थोड़ा ग्रूम कर सके एंड उन्हें अच्छा खासा सक्सेस दिला सके। तो जो कॉलेज है वो करंटली ऑफर करता है 9 UG एंड 5 PG यानी कि 9 अंडर ग्रेजुएट एंड 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली, और ये एफिलिएटेड है RGPV से। तो इनके जो रिसर्च हैं वो हैं GSM बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ये इनके रिसर्च है गाइस। एंड नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट रूम लाइट कंट्रोलर, माइंड सेंसिंग रोबोट, RFID बेस्ड मेट्रो ट्रेन सिस्टम, DTFM GSM बेस्ड रोबोट, LPG और CNG गैस डिटेक्टर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूजिंग सेलफोन। तो ये इनके कुछ रिसर्च हैं जिनके बारे में इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है। अब इसकी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन की बात करें गाइस, तो ये जो VITM कॉलेज है ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अफिलिएशन तो हमने पहले भी देखा था, इट इज़ अफिलिएटेड टू RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2007। एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस है बिहाइंड वेटनरी कॉलेज, बोरखेड़ी विलेज, हरसोला, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर की बात करें तो इनका जो फ़ोन नंबर है हमने आपको प्रोवाइड किया है, वेबसाइट भी हमने आपको प्रोवाइड की है। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इनसे डायरेक्ट भी फ़ोन या फिर वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंपस पे आए तो कैंपस है इनका 12 एकड़ का एंड जो मेन कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं वो है BTech, MTech एंड डिप्लोमा। तो गाइज, इस वीडियो के लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें VITM इंदौर को आउट ऑफ 50 क्या रेटिंग देनी है। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो एडमिशन से रिलेटेड या फिर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो ये इसकी कुछ गैलरी की इमेज है, कुछ इस तरीके का दिखता है ये कॉलेज। जैसे कि मैंने हमेशा भी कहा है, ये कैंटीन की इमेज है एंड हमेशा मैंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है देन आप लास्टली आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम इसके कुछ कोर्सेज की तरफ एंड फीस की तरफ। तो जो VITM इंदौर है ये किन किन कोर्सेज में क्या क्या फीस प्रोवाइड करता है वो है, BTech के लिए ये आपको लेता है 51,000 फॉर फर्स्ट ईयर। BTech लैटरल में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें ये आपका फर्स्ट ईयर में अगेन 51,000 लेता है।
एमटेक में एडमिशन की बात करें तो उसमें ये 60,000 फॉर फर्स्ट ईयर लेते हैं, पॉलीटेक्निक में 29,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड पॉलीटेक्निक लैटरल में भी 29,000 फॉर फर्स्ट ईयर। तो गाइज ये था इनका फीस स्ट्रक्चर, बट लेट मी टेल यू जो भी फीस स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं वो रियल डेटा नहीं है, वो हमारे फीडबैक्स स्टूडेंट के थ्रू या फिर मीडिया या इंटरनेट के थ्रू हमें मिला है। तो अगर आप कॉलेज में जाके इंक्वायरी करेंगे तो फीस जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे होगी, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन गाइज अगर आपको अभी भी फीस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉलेज या फिर हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके स्ट्रीम्स की तरफ। तो कॉलेज में आपको जो भी वो कोर्सेज अवेलेबल करती हैं उनमें कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, तो हम वही स्ट्रीम्स को देखेंगे। तो अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है गाइस, तो बीटेक में ये जो आपको स्ट्रीम्स ऑफर कर रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये था बीटेक। लेकिन अगर आपको बीटेक लैटरल यानी कि डायरेक्ट डिप्लोमा किया है आपने एंड आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये था हमारा बीटेक एंड बीटेक लैटरल। अब बढ़ते हैं हम मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमटेक की तरफ। तो एमटेक में जो आपके कोर्सेज हैं वो हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। बात करें एमबीए यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें जो आपको स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो है फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी एंड सिस्टम, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड लास्टली ऑपरेशन। तो ये आपके कुछ कोर्सेज के डिटेल ब्रांच वाइज ऑप्शंस थे। अब बढ़ते हैं हम कि इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, यानी कि एलिजिबिलिटी की तरफ। तो अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने आपका 12th मांगा है, बीटेक लैटरल के लिए आपका डिप्लोमा मांगा गया है, एमटेक के लिए इन्होंने आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है गाइस, ग्रेजुएशन प्लस आपके जो गेट के स्कोर्स हैं वो, पॉलीटेक्निक यानी कि डिप्लोमा के लिए आपका 10th मांगा गया है एंड पॉलीटेक्निक लैटरल के लिए आपका 12th मांगा गया है। तो गाइस अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ज़्यादा एलिजिबिलिटी इनकी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी बेसिक है, आपको बस हर चीज़ पास करी होनी ज़रूरी है। अगर आपने पास किया है तो आपको एडमिशन ईजिली मिल जाता है। बात करें हम इसके रैंकिंग की, तो जो इनकी स्टेट लेवल रैंकिंग है एंड ऑल्सो नेशनल लेवल रैंकिंग, तो गाइज जैसा आपको पता है ये एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज इतने हैं कि उनकी रैंकिंग निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो अभी तो हमें ये डेटा अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन हमें जैसे ही इसकी रैंकिंग पता चलेगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बात करें हम VITM इंदौर की कुछ मिसलेनियस टॉपिक की तरफ, तो यहाँ पे जो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स यानी कि जो R&D है वो काफ़ी मॉडरेट है, मैनेजमेंट सिस्टम इनका अच्छा है, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट भी ठीक ठाक है, प्राइवेट कॉलेज में जैसा होता है वैसा ही है, स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ भी मॉडरेट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपको पता होगा कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट यहाँ पे स्टडीज़ मॉडरेट है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट भी इनका मॉडरेट है, प्लेसमेंट हो जाता है, इतना बुरा नहीं है लेकिन ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने व्यूअर्स फीडबैक की तरफ, तो हमारे जो व्यूअर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आइए हम एक नज़र उन पे भी डालते हैं। तो हमारे पहले व्यूअर का कहना है कि जो हाईएस्ट पैकेज था कॉलेज का वो था 10 लाख पर एनम का, एंड जो कंपनीज थी वो थी जबोंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, TCS, इन्फोसिस, ये सारी जो कंपनी थी ये आई थी स्टूडेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए, एंड इनके कॉलेज की तरफ से इन्हें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की गई थी। अगले व्यूअर की बात करें तो ये बोलते हैं कि जो आर कॉलेज है वो ना ही सिर्फ बेस्ट एजुकेशन देता है बट ऑल्सो ये स्टूडेंट की कैपेसिटी इम्प्रूव करता है स्पोर्ट्स में, वो मोटिवेट करता है स्टूडेंट को स्पोर्ट्स में भी, और जो है उनका जो कॉलेज है वो ऑर्गेनाइज करता है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जैसे कि रोबोटिक रेस, कबड्डी, खो खो, इस टाइप के गेम जो है ये इनके कॉलेज में होते हैं। अगले व्यूअर की बात करें तो ये कहते हैं कि जो कॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं करता है कोई प्लेसमेंट, जो मैनेजमेंट है उन्होंने इनसे कहा था कि इनके कैंपस में क्लोज्ड इनके बैच में क्लोज कैंपस भी आएगा, बट ये जो है
ये अभी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं एंड जो है इनका जो SGPA था वो था 7.14 और ये टॉपर थे अपने बैच के। और इनका कहना है कि प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगले ईयर की बात करें तो वो कहते हैं कि जो कॉलेज है ओपन होता है 9 AM पे और ख़त्म होता है, मतलब 9 to 4 का कॉलेज है। एंड वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है विद प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड जो उनके कोर्स करिकुलम का एक पार्ट है। और जो टीचिंग है वो काफ़ी अच्छी है। द फी स्ट्रक्चर इज़ फीसिबल नॉट मोर एक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस नहीं है वहाँ का, आप ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। और जो कॉलेज है वो एक्सेप्ट करता है ऑनलाइन पेमेंट या फिर कैश। और अगर स्टूडेंट केपेबल नहीं है कि एक ही टाइम पे वो सारी फीस दे सके तो वो आपको इंस्टॉलमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड कॉलेज जो है वो फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी यानी कि एकदम क्लियर रखते हैं आपको। ठीक है गाइस, तो ये हमारे कुछ व्यूअर्स के या फिर उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं आने वाले यंगस्टर्स के लिए। तो आई होप ये आपको हेल्प करें। अब बढ़ते हैं हम हमारी रेटिंग्स की तरफ। तो आइए देखते हैं कि हमने VITM इंदौर को किन किन बेसिस पे क्या क्या रेट किया है। सो गाइस